नमस्ते सलमा मैडम, आज क्या सीखेंगे? नमस्ते। अब तक हमने माइक्रो क्रेडिट से जुड़ी हुई बहुत सी बातें जैसे कस्टमर, फाइनेंशियल सेक्टर और अपने देश में माइक्रो क्रेडिट सेक्टर वगैरह को जाना है। अब हम अपने काम और उससे जुड़े नियम, सिस्टम, प्रोसेस को बहुत ही ध्यान और बारीकी से समझेंगे। जी, मैं भी सोच रहा था कि दुनिया भर की जानकारी तो ले ली, पर खुद क्या करना है वो नहीं समझ में आ रहा है। दुनिया भर की जानकारी भी जरूरी है जिससे हम अपने काम को सही परिवेश में रख और समझ पाए और हमारे रोज के काम के पीछे जो क्यों और कैसे है उसकी वैल्यू समझ सकें। हमारे काम में ये दुनियादारी की बातें हर मोड़ पर काम आती हैं और जैसे जैसे तुम अपने काम में आगे बढ़ोगे तुम्हें ये सब और अच्छे से अनुभव होगा। तो चलो सबसे पहले समझते हैं कि माइक्रो क्रेडिट ऑफिसर का काम और रोल क्या है। हमारा काम हमारे नाम में ही है, माइक्रो क्रेडिट मतलब कम आय वाले परिवारों को छोटा लोन देना जिससे वो अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा और सुरक्षित कर सके और एक बेहतर जीवन बिता सके। हमारा काम बस इसी ऑब्जेक्टिव को इम्प्लीमेंट करना है, यानी कंपनी के नियमों के हिसाब से सही कस्टमर को चुनना, उन्हें उनकी जरूरत और योग्यता के हिसाब से लोन देना और लोन के शेड्यूल के हिसाब से रीपेमेंट यानी किश्त लेना। इस काम को हम दो भाग में बांट सकते हैं। पहला सोर्सिंग, इसमें कंपनी के नियम के हिसाब से कस्टमर लाना, ग्रुप बनाना, उन्हें कंपनी और लोन के बारे में जानकारी देना, एप्लीकेशन के माध्यम से उनकी सारी जानकारी लेना जैसे नाम, पता, काम, परिवार के सदस्य, आमदनी, खर्चा, जिससे उनकी लोन की जरूरत और रीपेमेंट की कैपेसिटी को असिस्ट किया जा सके। दूसरा ट्रांजेक्शन, इसमें कस्टमर के सोर्स होने के बाद के प्रोसेस आते हैं जैसे लोन का डिसबर्समेंट और कलेक्शन। इन दोनों भागों को हम आगे के दो मॉड्यूल में पूरी डिटेल में समझेंगे, पर हमारे काम के कुछ मूल मंत्र हैं, गोल्डन रूल, जिन्हें कस्टमर के साथ काम करने का कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। हमें काम करते वक्त इस कोड ऑफ कंडक्ट का पूरा पूरा ध्यान और पालन करना होगा। इनका ऑब्जेक्टिव है कि कस्टमर के हितों का हमेशा ध्यान रखा जाए और किसी भी हालत में कस्टमर के हित के अगेंस्ट हम काम ना कर सके। तुम तो जानते हो कि हमारे कस्टमर की आय कम और अनियमित होती है, सामाजिक और पढ़ाई का स्तर भी कमजोर होता है और इन्हें कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी है कि लोन देते वक्त हम उनके हितों का ख्याल रखें और ऐसा कोई काम ना करें जिनसे उन्हें नुकसान हो या उनका विश्वास टूटे। अगर हमारा कस्टमर आगे बढ़ेगा और विश्वास रखेगा तो हमें और कंपनी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम किसी भी फाइनेंस कंपनी में कहीं भी काम करें ये नियम गोल्डन रूल है। दुनिया भर में फाइनेंशियल सेक्टर में ये यूनिवर्सल नियम माने जाते हैं। इसके पांच मुख्य पहलू हैं। पहला फेयर इंटरेक्शन, कस्टमर से सही बर्ताव। कस्टमर को चुनते समय जाति, धर्म, रंग के हिसाब से कोई भेदभाव ना हो। कस्टमर का सिलेक्शन कंपनी के नियम के हिसाब से हो। कस्टमर से हमेशा विनम्र, आदर और सभ्य तरह से बात करें और हमेशा सोशल, कल्चर और क्षेत्रीय संवेदनाओं का ध्यान रखें। किश्त देने में अगर कस्टमर दिक्कत भी करे तो भी अपना आपा ना खोएं और सभ्य भाषा में ही बात करें और जोर जबरदस्ती ना करें। गाली गलौज, चिल्लाना, धमकी देना, बेइज्जती करना, घर का सामान उठा लेना बिल्कुल मना है। कस्टमर से हमेशा सही समय पर कलेक्शन की निर्धारित जगह पर ही मिले, इससे सेंटर का डिसिप्लिन कायम रहता है और हमारे लिए भी कलेक्शन करने में आसानी होती है। इससे कस्टमर का आप पर और कंपनी पर भरोसा बढ़ेगा और कंपनी लंबे समय तक उस एरिया में काम कर सकेगी। दूसरा सुटेबिलिटी, यानी कस्टमर को उसकी जरूरत और किश्त भरने की क्षमता के हिसाब से सही लोन देना जो कि कस्टमर के लिए सही हो। अगर ज्यादा लोन देंगे तो कस्टमर उसे चुका नहीं पाए तो कंपनी का नुकसान तो है ही, कस्टमर का भी रिकॉर्ड खराब हो जाता है जिससे आगे लोन लेने में दिक्कत आएगी। कंपनी के एम्प्लॉय होने के नाते हमारा फर्ज है कि हम एक्सेस करें कि कस्टमर उतना ही लोन ले जितना वो निभा सके। किसी कस्टमर के पास बहुत सारे लोन होना रिस्क का सिग्नल है। तीसरा एडुकेशन एंड ट्रांसपेरेंसी, यानी कस्टमर को लोन से जुड़ी सभी जानकारी स्पष्ट और सिंपल तरीके से बताना जिसे वो समझ सके।
लोन डॉक्यूमेंट में सारी जरूरी जानकारी सही और साफ तरह से भरी हो। पेमेंट की रसीद कस्टमर को देनी है ताकि कस्टमर के पास कंपनी को दी गई सारी किश्तों का पूरा रिकॉर्ड रहे। आप कस्टमर के साथ समय समय पर लोन से जुड़ी जरूरी बातें दोहराते रहें, जैसे लोन की बकाया रकम, ब्याज दर, किश्त की रकम, लोन का समय वगैरह। अगर किसी कस्टमर का लोन रिजेक्ट हो जाता है तो उसका कारण भी उसे बताना आपका काम है। इससे कस्टमर रिजेक्शन के कारण को ठीक करके आगे चल के लोन का हकदार बन सकता है। कस्टमर को लोन लेने से पहले कंपनी और लोन के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिससे वो लोन लेने के बारे में सही फैसला कर सके, और लोन के बाद भी जो जरूरी जानकारी है वो पता होनी चाहिए। इससे कस्टमर का विश्वास बना रहता है, कोई गलतफहमी नहीं होगी और आगे चल के बेफिजूल के सवालों से आपका और कस्टमर दोनों का समय बचेगा। चौथा, इन्फॉर्मेशन एंड प्राइवेसी। कस्टमर के दिए हुए डॉक्यूमेंट और उनकी निजी जानकारी को गोपनीय और हिफाजत से रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। कस्टमर के लिए कागज, फोटो, पहचान पत्र सब ध्यान से कंपनी के नियम के अनुसार सुरक्षित और सही जगह पर रखने हैं, जिससे उनका कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके, क्योंकि कस्टमर ने पूरे भरोसे के साथ अपनी निजी जानकारी और कागज केवल लोन लेने के लिए दिए हैं, और आपकी जिम्मेदारी है कि ये हिफाजत से रहे ताकि उसका कोई गलत इस्तेमाल ना हो। पांचवा, ग्रीवेंस रिड्रेसल। कई बार हो सकता है कस्टमर को कोई शिकायत हो या लोन लेने के बारे में कोई जानकारी चाहिए हो, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप कस्टमर को ढंग से आपकी कंपनी के कंप्लेंट सिस्टम के बारे में बताएं। और हाँ, अगर कस्टमर को अपनी शिकायत का सही समाधान कंपनी से नहीं मिलता है तो कस्टमर को हक है कि वो RBI के पास जाके इसका समाधान ले सके। इसीलिए आपको RBI में वो कैसे शिकायत कर सकते हैं ये भी बताना है। अगर कस्टमर को अपनी समस्या का समाधान करने का सही तरीका नहीं पता होगा तो वो इधर उधर लोगों के पास शिकायत करेगा। इससे कंपनी का काम और नाम भी खराब होगा और समस्या भी नहीं सुलझेगी। इसीलिए कंपनी का CGRM बहुत जरूरी डिपार्टमेंट है और इसकी सही जानकारी कस्टमर के पास होनी चाहिए। ये तो बहुत बढ़िया नियम है और बहुत सिंपल तरीके से बनाए गए हैं। बिल्कुल, अब हम समझते हैं कि ये सब करने के लिए हम में कौन सी स्किल होनी चाहिए। जानकारी, कंपनी और लोन के जो भी नियम सिस्टम कागज हैं उनको कस्टमर को डिटेल में समझाना जरूरी है। इससे आप कस्टमर को सही तरह से माइक्रो क्रेडिट के बारे में बता पाएंगे, और काम भी कंपनी के नियम से, टाइम से और बिना गलती के होगा। इसलिए हमेशा कंपनी के मैनुअल, सर्कुलर, ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट्स, मेमो वगैरह ध्यान से पढ़ने चाहिए, और अगर कुछ सवाल हो तो बेझिझक अपनी टीम या सीनियर से मदद लेनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन, एक माइक्रो क्रेडिट ऑफिसर के पास करीब 40 से 50 ग्रुप मिला के 500 से 1000 कस्टमर के लोन की जिम्मेदारी होती है। दिन की शुरुआत भी सुबह सुबह हो जाती है और 30 से 50 किलोमीटर का एरिया भी कवर करना होता है। इसीलिए इस काम को ठीक से करने के लिए जरूरी है कि हमारा काम और हम बहुत अच्छे से मैनेज हो। टाइम पर सारे काम करना, काम की लिस्ट बना के रखना, काम के सारे कागज तरीके से रखना, ये सब जरूरी है। दिन, हफ्ते और महीने में कंपनी के प्लान और टारगेट के हिसाब से क्या क्या करना है, इसकी प्लानिंग बहुत जरूरी है, और इसके लिए अपने आप को भी व्यवस्थित रखना है। टाइम पर उठना, साफ फॉर्मल कपड़े पहनना, अपने खुद के कागज जैसे कंपनी और अपनी ID, हेलमेट, बाइक सब व्यवस्थित तरह से होनी चाहिए। इससे आप अपने सीनियर को भी नियम से अपडेट कर पाएंगे और काम और टारगेट के बारे में और कोई मुश्किल हो तो डिस्कस कर सकेंगे। डॉक्यूमेंटेशन, लोन के काम में डॉक्यूमेंटेशन का बड़ा रोल है। एप्लीकेशन भरना, कस्टमर को लोन के कागज देना, पहचान पत्र को चेक करना और लेना, कैश का हिसाब रखना, ये सब काम बहुत तरीके से करने चाहिए, और आजकल ये कई काम मोबाइल या कंप्यूटर पर करने होते हैं। इसकी ट्रेनिंग कंपनी अलग से देगी और उसके अनुसार ही सब काम करना होगा। कम्युनिकेशन, हमारा बहुत बड़ा काम कस्टमर से बातचीत के रूप में होता है। इसमें जरूरी है कि आपका कम्युनिकेशन स्पष्ट, साफ और सभ्य होना चाहिए। आपको कस्टमर को कई चीजें बतानी होती हैं, कंपनी और लोन के बारे में उनसे जानकारी भी लेनी होती है, क्रेडिट असेसमेंट भी करना होता है, इसलिए आपकी खुद की जानकारी एकदम पक्की होनी चाहिए, तभी तो आप दूसरे को बता पाएंगे। बात करते वक्त हमें एक विनम्रता और सहनशीलता से बात करनी होती है। हो सकता है एक बार में बात समझ नहीं आए और वह कई सवाल भी पूछे,
हमारा काम है उन्हें धैर्यपूर्वक ढंग से समझाना और उनके सवालों को जवाबों से संतुष्ट करना। रिलेशनशिप, फाइनेंशियल सर्विसेज एक सर्विस सेक्टर है जहां हम लोगों से मिलके बिजनेस करते हैं। अगर लोगों को हमारा व्यवहार पसंद नहीं आएगा तो हम कभी भी अपने काम और करियर में अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अपने कस्टमर से अच्छे संबंध बनाने होंगे, उनका विश्वास जीतना होगा। अच्छे व्यवहार के साथ रिलेशनशिप के लिए जरूरी है कि हम लोगों की परिस्थिति और जरूरतों को समझें और उनका विश्वास जीतें। डिसीजन मेकिंग और आखिरी बात, माइक्रो क्रेडिट पैसे का बिजनेस है जिससे कस्टमर और कंपनी का भविष्य जुड़ा हुआ है। इसलिए सारे कस्टमर और कंपनी के हित के हिसाब से कंपनी के नियमों को समझते हुए और रिस्क को परख करके ही फैसले करने चाहिए। जज्बाती होकर कोई फैसला नहीं लेना। सलमा जी, ये पैसे और जिम्मेदारी का काम है तो इसमें कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता होगा। ये बताओ किस काम में चुनौतियाँ नहीं आती, पर हम काम को ठीक से कर सकें और चुनौतियों से सही तरह से निपट सकें इसके लिए ही कंपनियों के नियम, सिस्टम और इतने सारे डिपार्टमेंट्स, टीम के लोग और सीनियर्स होते हैं जो हमें हर कदम पर सपोर्ट करते हैं। जरूर, पर मैं ये भी सोच रहा था कि ये माइक्रो क्रेडिट में काम करके हमें क्या फायदा है और आगे बढ़ने की क्या संभावनाएं हैं। ये तुमने बहुत सही बात पूछी। जब हम किसी जॉब से जुड़ते हैं तो ये जानना जरूरी है कि इसमें हमारा क्या फायदा और भविष्य है। माइक्रो क्रेडिट में कई फायदे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट के फॉर्म में एक अच्छी सैलरी के साथ इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, मोबाइल का खर्चा, साल की छुट्टियां मिलती हैं, कई बार खाने और रहने की अलग से सुविधा मिलती है। अगर आप अच्छे से बिजनेस टारगेट पूरा करते हैं तो बोनस अलग से मिलता है। एक्सपीरियंस होने पर और अच्छी परफॉर्मेंस से समय समय पर प्रमोशन भी मिलता है। कंपनी में ही सीनियर लोन ऑफिसर, ब्रांच मैनेजर, एरिया मैनेजर, स्टेट मैनेजर और हेड ऑफिस में भी कई सारी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज हैं। आज माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है जिसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत आ रही है, और अगर कोई माइक्रो क्रेडिट ऑफिसर अच्छी तरह से काम करता है तो बहुत तेजी से ग्रोथ होती है। पर इसके लिए जरूरी है सही नॉलेज, स्किल्स और परफॉर्मेंस। इनडायरेक्ट बेनिफिट के फॉर्म में एक बहुत रेस्पेक्ट वाली नौकरी मिलती है और कितना कुछ सीखने को मिलता है। हमें घर के आसपास के जिले में काम का अवसर मिलता है, घर से बहुत दूर बड़े शहर में नहीं जाना पड़ता, छुट्टी पर अपने घर जा सकते हैं और परिवार की जिम्मेदारी भी निभा सकते हैं। जिन्हें लोगों से मिलना जुलना और मदद करना अच्छा लगता है उनके लिए इससे अच्छा कोई काम ही नहीं है। इस काम के सिलसिले में कई तरह के लोगों से मिलते हैं और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। इसीलिए इस काम में पैसे के अलावा दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने की संतुष्टि भी मिलती है। चलो आज तुम्हें अपने एक पुराने कस्टमर से मिलाती हूँ, शायद तुम्हारे कुछ सवालों का बेहतर जवाब उनसे मिल जाए। कैसी हैं सरोज दीदी? ये राहुल है, जल्दी आपके एरिया का काम यही संभालेंगे। सोचा आप हमारी पुरानी कस्टमर हैं, आपसे मिलेंगे तो अच्छा रहेगा। आपका काम कैसा चल रहा है? आप अपने माइक्रो क्रेडिट से जुड़ने का सिलसिला बताइए। जरूर। नमस्ते भैया, मैं करीब 5 साल से माइक्रो क्रेडिट से जुड़ी हूँ। हमारा बहुत ही गरीब परिवार था, एक मेरे पति कमाने वाले और 6 लोगों का परिवार। बस किसी तरह खाने पीने का ही खर्च निकल पाता था और हमेशा पैसों को लेके खिटखिट होती थी। बच्चों की पढ़ाई और देखरेख भी सही ढंग से नहीं हो पा रही थी, बहुत खराब लगता था। फिर आप जैसे ही एक लोन ऑफिसर से मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे लोन के बारे में बताया। सबसे पहले एक छोटे लोन से छोटी चाय और स्नैक्स की दुकान खोली, दुकान चली, थोड़ी आमदनी आई तो मैंने एक कुकिंग कोर्स भी किया और दुकान के गरम ताजा नाश्ते का काम शुरू किया। फिर और लोन लेकर दुकान को और बढ़ाया, बैठने का इंतजाम किया, 2 हेल्पर भी लगा लिए। अब तो हमारी दुकान को लोग सरोज रेस्टोरेंट बोलते हैं। अब घर के खर्चे आराम से निकलने लगे हैं, बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, हमारी दुकान से 2 और लोगों का भी घर चलता है। और एक बड़ी बात कि मेरे पति, बच्चे और परिवार मेरी और मेरे काम की बहुत रिस्पेक्ट और सपोर्ट देते हैं। मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है कि मैं कुछ काम करके आगे बढ़ पाई। मेरी सफलता में माइक्रो क्रेडिट का बहुत बड़ा हाथ है। काम में समय समय पर नई जरूरतें और मुश्किलें आती रहीं, पर माइक्रो क्रेडिट लोन से उनको सही तरह से मैनेज किया।
मैं तो आज भी उस लोन ऑफिसर भैया को याद करके दुआ देती हूँ जिन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया। देखा राहुल, सरोज दीदी ने अपनी मेहनत, काम और माइक्रो क्रेडिट लोन के सपोर्ट से कितनी तरक्की की है। सरोज दीदी, आपके समय और बातों के लिए बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं, नमस्ते। ये सब देखकर मुझे लग रहा है कि मैं सही जगह पर अपनी नौकरी शुरू कर रहा हूँ। बहुत अच्छे। माइक्रो क्रेडिट ऑफिसर कंपनी और कस्टमर के बीच की कड़ी होता है, जो कस्टमर और कंपनी दोनों को आगे बढ़ने में मदद करता है और उनके साथ खुद भी आगे तरक्की करता है। तो मतलब सबका भला और सबका विकास। हाँ, बहुत अच्छे।